मुफ्त में ताजमहल घुमाएंगे, गाइड कोविड 19 प्रोटोकॉल का करेंगे पालन। जहां आगरा में 21 सितंबर से जो भी पर्यटक ताजमहल का दीदार करने के लिए आएंगे उन्हें गाइड मुफ्त में ताजमहल घुमाएंगे। देश में ताजनगरी की हवा सबसे खराब, एक यूआई 229 धूल कणों का मात्र 6 गुना। शिवाजी महाराज के बारे में सरकारी शिलापट दे रही सैलानियों गलत जानकारी, इतिहासकारों ने बताई सही तिथि। आगरा में पकड़ा आरटीओ के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला गैंग, ऑनलाइन टैक्स के नाम पर खोला था बूथ। फतेहाबाद रोड पर चल रहे हुक्का बार स्टिंग में हुआ खुलासा, छत्र स्टोर पर चल रहे हुक्का बार को बंद कराए जाने के अगले दिन ही फतेहाबाद रोड पर सरेआम हुक्का बार चलते नजर आए। लोगों के लिए खादन का सामान जुटाना पड़ा भारी, जहां प्याज हुआ महंगा, टमाटर भी हुआ महंगा, थाली से गायब होने लगी दाल, बिगड़ा रसोई का बजट। 110 मरीज मिलने से 4377 पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, आगरा में 110 नए मरीज और मिलने से बुधवार को संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ गया। फैक्ट्री में अग्निकांड के बाद जांच समिति की रिपोर्ट में चौंकाने वाला हुआ खुलासा, बड़ी वजह आई सामने, जहां आग 7 सितंबर को लगी थी, जिसे बुझाने के लिए वायुसेना और मत्स्य रिफाइनरी तक भी दमकल बुलाई गई थी। टिकटॉक वीडियो बनाकर की थी दोस्ती, क्राइम सीरियल देखकर रचा किशोरी के अपहरण का पूरा राज। जहां पर इरादनगर कस्बे में 11 सितंबर को अगवा की गई 13 साल की किशोरी, छठे दिन बुधवार को सुबह 4 बजे मुरादाबाद में बरामद कर ली गई। मुख्य आरोपी आसिफ उर्फ बंटी और उसके साथी मोनू सोनू उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया है। रैपिड किट की अवैध बिक्री ने बढ़ाया खतरा, घर में ही कोरोना की जांच कर रहे लोग, अब तक की जांच में यह पाया गया कई ऐसे लोग जो सामाजिक डर के चलते सरकारी केंद्रों पर कोरोना वायरस की जांच कराने नहीं जा रहे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।